Realme ने फाइनली अपनी Narzo सीरीज के दो नए स्मार्टफोन लॉन्च किए इंडिया में Realme Narzo 70 और Realme Narzo 70X आपको याद होगा कुछ टाइम पहले Realme Narzo 70 Pro मॉडल्स लॉन्च किए गए थे तो ये उसी सीरीज के अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं सो तो जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे विजिट करके भी देख सकते हैं लेकिन आज हम बात करने वाले हैं Realme Narzo 70X की तो ये फोन स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस फोन में जो फीचर्स दिए गए वो पंद्रह हजार रुपए से भी कम प्राइस पॉइंट में एक प्रीमियम फोन फोन वाले फीचर्स दिए हैं हैं जैसे इसमें एक बड़ी बैटरी मिलती है 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 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता तो तो सबसे पहले इसके प्राइस प्राइस पॉइंट पॉइंट से से शुरू कर लेते हैं। तो इस फोन को 15 से भी कम के प्राइस में लॉन्च किया गया जिसमें आपको एट जीबी रैम और इसका स्टार्टिंग प्राइस है तो दोनों ही आप देख सकते हैं अफोर्डेबल रेंज वाले फोन है फोन को दो कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है फॉरेस्ट ग्रीन और आइस ब्लू कलर इसके अलावा फोन की जो ऑफिशियल सेल है वो अप्रैल ट्वेंटी से इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी तब से आप इस फोन को खरीद पाएंगे अब कुछ डिटेल फीचर्स की बात करते हैं तो इस फोन में है 6.72 इंच का एक फुल एच डी रेजोल्यूशन वाला एलसीडी डिस्प्ले जिसमें वन ट्वेंटी हर्ट्स तक का हाईस्ट रिफ्रेश सपोर्ट मिलता है नाइन हंड्रेड की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट है साथ ही ये फोन काम करता है मीडिया टेक डायमेंसिटी सिक्सटी वन हंड्रेड प्लस चिपसेट पर और ये एक अच्छा चिपसेट है जो कि इस प्राइस पॉइंट में अगर आपको मिल रहा है तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है इस फोन की और ये फ़ोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 अपडेट के साथ तो उसमें आपको सारे लेटेस्ट फीचर्स मिल जाएंगे लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे अब मैं कुछ एक्साइटिंग फीचर्स के बारे में बताती हूँ जो है इसके कैमरा फीचर्स इसमें वैसे तो बेसिक कैमरा ही फीचर्स दिए गए हैं लेकिन रियलमी अब अपने फोन में ना कैमरा परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से अपग्रेड कर रहा है जैसे उसमें फिफ्टी एम का प्राइमरी सेंसर है एक टू का डुअल सेंसर है और एट एम का एक फ्रंट कैमरा है सो so आप कैमरा में देखेंगे बहुत हाई मेगा पिक्सल कैमरा नहीं दिए है लेकिन क्वालिटी काफी हद तक मेंटेन रहेगी तो मैंने इस फोन की बैटरी के बारे में बताया था तो इस पूरे फोन के सबसे हाईलाइटेड फीचर्स है इसकी बैटरी परफॉर्मेंस इसमें मिलती है पांच हजार एम की बैटरी और 45 फाइव वॉट तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट तो पंद्रह हजार से कम में अगर आपको 45 फाइव वॉट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है तो ये भी एक बहुत अच्छा तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है मेनली मेजरली इतने कम प्राइस पॉइंट में इतना हाई चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता है तो आपका फोन जल्दी चार्ज हो जाएगा इसमें लॉन्ग बैटरी बैकअप मिलेगा अगर आप एक ऐसा ही फोन खरीदना चाहते हैं पंद्रह हजार से कम में जिसमें तो एक अच्छा बैटरी बैकअप मिले तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा होगा साथ ही सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड में एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और वाटर प्रोटेक्शन के लिए उसमें आईपी फिफ्टी फोर रेटिंग दी गई है तो जो उसको डस्ट से भी प्रोटेक्ट करेगी तो ये वो सारे ओवरऑल फीचर्स है जो रियलमी सेवेंटी एक्स में दिए गए हैं और इस फोन की जल्द ही इंडिया में सेल स्टार्ट हो जाएगी और सबसे बेस्ट पार्ट है कि जिस प्राइस पॉइंट में फोन आता है ना उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छे फीचर्स इस फोन में दिए गए हैं क्वालिटी फीचर्स है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो एक बजट सेगमेंट वाला लेटेस्ट फोन खरीदना चाहते हैं और रियलमी नार्जो सेवेंटी सीरीज में जितने भी फोन लॉन्च हुए हैं वो सब ऐसे ही सिमिलर सिमिलर डिजाइन के साथ आते हैं लेकिन ये सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है अपने यूनिक फीचर्स की वजह से अब इसमें ना कुछ दो एडिशनल फीचर्स भी हैं जो एक्चुअली इस फोन को थोड़ा सा यूनिक भी बनाते हैं जैसे इसमें आपको एक हैंड जेस्चर फीचर मिलता है जो कि uh, Realme ने अपनी Narzo 70 सीरीज के साथ लॉन्च किया था जो प्रो वेरिएंट में हमने देखा था तो वो ही सेम फीचर इसमें भी काम करता है आपको सिंपल सेटिंग करनी है हैंड जेस्टर्स की और आप बिना टच किए भी अपने फ़ोन को यूज कर सकते हैं और साथ में इसमें जो वाटर इस्टेंट कोटिंग मिलती है उसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इसमें रेन वाटर फीचर मिलता है जिससे अगर हल्का फुल्का स्प्लैश आता है आपके फ़ोन के स्क्रीन पर पानी आ जाता है तो आपने आमतौर पर देखा होगा कि एंड्रॉयड स्क्रीन काम करना बंद कर देती है लेकिन इस फोन में ऐसा नहीं होगा अगर थोड़ा बहुत फोन की स्क्रीन पर पानी आता है तो आप उसको ईजिली यूज कर पाएंगे तो ये है इस फोन के दो एडिशनल फीचर्स रियल मी नार्जो सेवेंटी वेरियंट में भी दिए गए हैं तो जैसे मैंने बताया अगर आप उसके लुक डिजाइन को देखना चाहते हैं तो हमने जो अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर किया है वो आप देख सकते हैं सो so, आपको कैसा लगे रियलमी नार्जो सेवेंटी इस पर्टिकुलर वेरिएंट में कौन से ऑप्शन या कौन से फीचर आपको ज़्यादा अच्छे लगे है? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक like करें शेयर करें और इस तरह के अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें